दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए याद किया है। 34 वर्षीय अभिनेता पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई स्थित आवास में मृत पाए गए थे। सुशांत की पूर्व प्रेमिका और अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर सुशांत संग वीडियो और तस्वीर शेयर की। वीडियो में सुशांत अंकिता संग डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अंकिता ने सुशांत संग तस्वीरों का एक वीडियो भी शेयर किया है। सुशांत की पहली पुण्यतिथि पर उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने एक भावुक नोट लिखकर उन्हें याद किया है। रिया ने अपनी और सुशांत की तस्वीर पोस्ट की है। रिया ने लिखा, फिल्म राब्ता में सुशांत संग काम कर चुकी अभिनेत्री कृति सेनन ने भी उन्हें याद करते हुए उनकी तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया है। वहीं फिल्म निर्माता अभिषेक कपूर, जिन्होंने 2013 में अपनी फिल्म काईपोचे और बाद में 2018 में केदारनाथ में सुशांत का निर्देशन किया था, उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, सुशांत की सोन चिरैया की सह कलाकार भूमि पेडनेकर ने लिखा, एक और सोन चिरैया अभिनेता रणवीर शौरी ने पोस्ट किया। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, जिन्होंने दिल बेचारा का निर्देशन किया था, उन्होंने पोस्ट किया। इंस्टाग्राम पर अभिनेता पुलकित सम्राट ने लिखा, अभिनेत्री फिल्म निर्माता रेणुका सहाणी ने पोस्ट करते हुए लिखा, अभिनेता शेखर सुमन ने पोस्ट करते हुए लिखा, अभिनेत्री राखी सावंत, जिन्हें उनके बिंदास अंदाज के लिए जाना जाता है, उन्होंने आज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया। राखी अपने जिम के बाहर नजर आई। इस दौरान उनका कहना था, इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है, आज है कल नहीं, इसलिए हर इंसान को जाग जाना चाहिए। श्रीदेवी जी इतनी बड़ी सुपर डुपर स्टार, मैं तो उनकी दीवानी थी, फैन पूरे देश भर, वो भी चले गए। सुशांत सिंह मेरा दोस्त, मुझे आज भी वो याद है, ज़रा नच के दिखा, हम लोग साथ में कर रहे थे, सुशांत सिंह ने कहा था, राखी यू आर माई क्रश, तभी तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या बोला है, क्रश क्या होता है क्या मालूम, डेट क्या है, क्रश क्या है, मुझे क्या मालूम है, मुझे उतना नहीं मालूम। मैं सोची पता नहीं कुछ तो बोला होगा, वो तो बाद में मैंने पूछा उस व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्रश। फिर मतलब फिर जब, क्योंकि मेरा परदेसिया सॉन्ग आया था, उनको सॉन्ग मेरा बहुत पसंद था, वो कह रहा था कि मैं स्कूल में था, मैंने कहा जब तुम स्कूल में थे तब मैं बॉलीवुड में आई थी, हमारी उम्र एक जैसी है, एक आध साल ऊपर नीचे होगा, बहुत मस्ती करते थे, वेरी जॉली पर्सन। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो नहीं है हमारे बीच में, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शूटिंग कर रहा होगा, कहीं ना कहीं होगा, अपने जिंदगी की माला को, यू नो, मोतियों को पोर रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा है। एक साल हो गया, एक साल हो गया, वक्त कितना फास्ट भाग जाता है, हैं? पता भी नहीं चलता। मैं आज उसको याद करके यही सोच रही थी, मैं भी आज हूँ कल नहीं, क्या देश की जनता मुझे भी याद करेगी, करेगी। हाँ, होता है ना, फैंस होते हैं ना, फैंस है तो हम हैं, जनता है तो हम हैं, वरना हमारी क्या औकात है, दुआ तो कर सकते हैं ना। हाँ, दुआ तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने सुशांत के लिए दुआ करी है कि उसे ईश्वर परमेश्वर स्वर्ग में एक ऐसी जगह दे, जब हम जाए तो हम उसे देखे। मैं तो ऊपर जाऊंगी, पर हाय सुशांत, लेट्स डांस, क्योंकि जो मार दिया जाता है, जिनका वक्त पूरा नहीं होता है, उनके लिए गॉड भी आंसू बहाता है। जो जल्लाद लोग इस दुनिया में हैं,
34 वर्षीय अभिनेता पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई स्थित आवास में मृत पाए गए थे। आज सुशांत के फैंस के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी उन्हें याद कर रहे हैं। फैंस सुशांत के घर के बाहर जाकर उनकी तस्वीरों के सामने मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमेशा अपनी खूबसूरत अदाओं के लिए सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री सनी लियोनी ने अपने फैंस के साथ हाल ही में किए गए अपने न्यूड फोटोशूट से जुड़ी तस्वीर शेयर की है। इस बोल्ड फोटो को सनी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। दरअसल सनी लियोनी ने हाल ही में सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के कैलेंडर 2021 के लिए एक फोटोशूट करवाया है। इस तस्वीर में सनी लियोनी एक पोल के सहारे खड़ी हैं और पोज देती नजर आ रही हैं। सनी ने अपने एक हाथ में कपड़ा पकड़ रखा है जिससे वो अपनी बॉडी को छुपा रही हैं और उनका दूसरा हाथ उनके सर पर है। सनी के इस न्यूड फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सनी ने कैप्शन में लिखा, सनी का यह हॉट अंदाज फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्रम भट्ट की वेब सीरीज अनामिका में सनी नजर आने वाली हैं। इस वेब सीरीज को विक्रम भट्ट और कृष्णा भट्ट के लोन रेडर प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया जा रहा है। अभिनेत्री दिशा पटानी ने रविवार को अपना बर्थडे अपने रूममेट बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ के साथ सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें दिशा ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की हैं। इन तस्वीरों में टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ भी नजर आ रही हैं। दिशा के बर्थडे पर टाइगर ने एक वीडियो शेयर कर उन्हें विश किया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में टाइगर और दिशा डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिशा ने व्हाइट कलर का टॉप और जीन्स पहन रखी है, वहीं टाइगर श्रॉफ ने टी शर्ट और व्हाइट कलर की पैंट पहन रखी है। दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फैंस दोनों को साथ देखकर काफी खुश हैं। टाइगर और दिशा ने अभी तक अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया है, हालांकि दोनों को कई मौकों पर साथ देखा जाता है। दिशा पटानी जल्द ही एक विलन रिटर्न में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके अलावा अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम और तारा सुतारिया की अहम भूमिका होगी। दिशा पटानी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों खबरों में बने हुए हैं। दरअसल राज की एक्स वाइफ कविता ने शिल्पा शेट्टी पर राज और कविता की शादी तोड़वाने का आरोप लगाया था। मामले के हद से बढ़ जाने के बाद राज ने अपनी पहली पत्नी कविता द्वारा लगाए सभी आरोपों को झुठलाते हुए कई खुलासे किए। जी हाँ, राज ने बताया उनकी पहली पत्नी कविता का उनके बहन के पति के साथ अफेयर था। ऐसे में राज की पत्नी यानी शिल्पा शेट्टी भी कुछ तनाव में नजर आई। बॉलीवुड में शिल्पा अपनी फिटनेस और पॉजिटिव लाइफस्टाइल के लिए चर्चित हैं, लेकिन इन दिनों इंस्टाग्राम पर शिल्पा शेट्टी का एक पोस्ट जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसे पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज और उनकी एक्स वाइफ के इस मामले से वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। शिल्पा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक बुक के पन्ने की फोटो शेयर की है, जिसमें लिखा है, शेयर्ड सफरिंग। जब एक अच्छे आदमी को चोट लगती है तो उसके साथ जो भी अच्छे लोग जुड़े होते हैं सभी को दर्द होता है। अच्छाई अलगाव में मौजूद नहीं है, अच्छाई का हर काम अच्छे में योगदान देता है। इसी तरह जब अच्छाई के किसी काम में देरी होती हो या असफल होता है तो हम सभी को कष्ट होता है। यह तो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है कि बात जब पति पत्नी के बीच के रिश्ते की हो तो पत्नी का स्वभाव नर्म नजर आता है। इसी बीच यह विवादों का दौर राज और शिल्पा के रिश्ते को मजबूत रख पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। जुबिन नौटियाल, इस नाम से कौन वाकिफ नहीं है। अपनी मेलोडियस वॉइस और मिसमराइजिंग सॉन्ग से लाखों दिलों पर कब्जा करने वाले सिंगर जुबिन नौटियाल आज 32 साल के हो गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आज जुबिन का हैप्पी बर्थडे है। तो चलिए उनके बर्थडे के इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे उनके बारे में कुछ लेसर नॉन फैक्ट्स। जुबिन देहरादून के रहने वाले हैं और वो देहरादून में एक बिजनेस फैमिली से आते हैं। जुबिन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई देहरादून में ही हुई,
जुबिन ने टीवी रियलिटी शो एक्स फैक्टर में भी पार्टिसिपेट किया है। क्या आपको पता है कि जुबिन गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने में माहिर हैं। जुबिन ने सोनाली केबल के सॉन्ग एक मुलाकात से बॉलीवुड में कदम रखा था और यह सॉन्ग काफी हिट भी हुआ। इस सॉन्ग से तो मानो जुबिन के कामयाबी का कारवां शुरू हो गया हो। जुबिन ने सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान का सॉन्ग जिंदगी कुछ तो बता भी गाया और इस सॉन्ग के लिए इन्हें अपकमिंग मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। और तो और जुबिन को राइजिंग म्यूजिकल स्टार अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आज जुबिन बॉलीवुड के सबसे कामयाब सिंगर्स में से एक हैं। जुबिन का सॉन्ग लुट गए बहुत हिट हुआ है। जुबिन पुराने गानों का रिमेक नए अंदाज में गाते हैं। आजकल जो सॉन्ग जुबिन के रिलीज हो रहे हैं वो ज्यादातर रिमेक होते हैं। जुबिन को अगर रिमेक का बादशाह भी कहा जाए तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।